और ज्यादा जानकारी लेंगे। गुलशन हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, क्या ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है? दो लड़कों ने हालांकि चलती कार में पहले युवती का अपहरण किया, उसके बाद में गैंग रेप किया, क्या पहले से ये लोग ताक लगाकर बैठे थे या फिर पहले से जानते थे लड़की को? देखिए बिल्कुल, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में जो गैंगरेप हुआ था अभी उससे ही जो है पुलिस जो है अभी नहीं निकली थी कि एक के बाद एक फिर गुड़गांव के फरूख नगर इलाके में कॉलेज के स्टूडेंटों ने ही जो है एक कॉलेज की ही लड़की को जो है पहले अपहरण किया और उसके बाद उसको गाड़ी में बैठा करके उसके साथ गैंगरेप किया। हालांकि इस पूरे मामले में खेड़ा, ये जो आरोपी है ये खेड़ा कुरमपुर के रहने वाले हैं जो कि फरूख नगर के पास ही है, और साथ ही जब गैंगरेप किया था तो उस दौरान उन लड़कों ने सड़क किनारे जो है उस लड़की को जो है नग्न अवस्था में हालात में उतार दिया था और लड़की ने उनके हाथ पैर भी जोड़े थे कि मुझे कम से कम कपड़े लौटा दिए जाए। तो फिर जो है हाथ पैर जोड़ने के बाद आरोपियों ने कपड़े वापस लौटाए थे। हालांकि गुड़गांव पुलिस ने इसमें एक आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है, फिलहाल जो है दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। ये जो लड़की है ये बीए सेकेंड ईयर की जो है छात्रा है। फिलहाल जो पुलिस है पूरे एंगल से जांच कर रही है और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इस जो दूसरा साथी है उसके भी लगातार जो है छापेमारी की जा रही है। जी गुलशन, साथ ही हैरानी की बात यह है कि दिन दहाड़े एक लड़की के का अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया गया है। देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब जो छात्रा है वो अपने कॉलेज में गई हुई थी और उस दौरान जब वो छात्रा कॉलेज से बाहर निकली तो हो सकता है कि जो आरोपी है वो पहले से ही प्री प्लान हो कि इस लड़की को बैठा करके इसके साथ गैंगरेप करना है। ये तमाम तो बातें हैं, फिलहाल गुड़गांव पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जिस तरीके की बार बार जो वारदातें सामने आ रही है, कभी हरियाणा में रेप हो रहे हैं और लगातार गैंगरेप हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जो है सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखाए। हालांकि जब इस तरह के मामले होते हैं तब जरूर जो है पुलिस मुस्तैदी दिखाती है कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद वही ढीला रवैया जो है पुलिस प्रशासन का देखने को मिलता है। इसमें हरियाणा सरकार को भी जो है एक्शन लेना चाहिए पुलिस प्रशासन के प्रति की पुलिस जो है हमेशा ही जो है इन मामलों में सतर्क रहे और जिससे कि इन ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जी गुलशन, साथ ही एक आरोपी को तो हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, लेकिन दूसरा आरोपी जो है उसे कब तक गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है? देखिए पुलिस का कहना है कि एक पवन नाम का जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की अभी तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि जो दोनों आरोपी हैं वो खेड़ा कुरमपुर गांव के रहने वाले हैं और जो फरूख नगर के पास ही पड़ता है। हालांकि पीड़िता ने जब ये पूरी शिकायत दी थी वो पूरा जो आप बीती बताई थी जो उसके साथ जबरदस्ती गाड़ी में उसे बैठाया गया, उसके साथ एक के बाद एक गैंगरेप किया गया, पहले एक पवन ने किया फिर उसके बाद दूसरे लड़के ने किया, तो ये सारी आप बीती बताई। उसके बाद पुलिस ने तुरंत जो है पहले पवन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया और दूसरे आरोपी अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि वो कहाँ है, उसकी पूरी लोकेशन जो है निकाली जा रही है, उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पुलिस ये दावा कर रही है कि दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। तो एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दूसरे आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है, लेकिन इस सबके बावजूद रेप के मामले जो है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब एक कॉलेज की छात्रा का पहले अपहरण किया गया, फिर उसके साथ चलती कार में गैंगरेप किया गया और साथ